मुजफ्फरनगर में रेलवे रोड स्थित साईं धाम मार्केट के सभी दुकानदार अपनी दुकान दो दिन से बंद कर धरने पर बैठे। दुकानदारों को कहना है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें प्रतिदिन उनकी दुकान के बाहर खड़ जाती हैं और जिससे उनका कारोबार ठप हो चुका है। दुकानदार भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं, जिसको लेकर वह अनिश्चित समय के लिए अपनी दुकान बंद कर धरने पर बैठे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा परवेज खान नाम है। परवेज, क्या मामला है, क्यों बैठे हो रोड पर धरने? हम पिछले 3 महीने से अपनी मार्केट में रोडवेज के सामने खड़े होने वाली बसों से बहुत परेशान है। इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा, वहाँ बिल्कुल मिला के गाड़ी लगा देते हैं। हम काम नहीं, हमारी जो वहाँ पे जो दुकान है वो कार रिपेयरिंग की है, ज्यादातर मैकेनिक लाइन शॉप है। जब गाड़ी नहीं हमारे सामने आएगी, गाड़ी खड़ी जाएंगे तो हम परेशानी होंगे। जब कार वार ठप हो जाएगा तो हम क्या करें? और हमने आखिरी निर्णय लिया, हम कल से धरने पे बैठे मार्केट बंद करके। अधिकारियों से बातें हुई क्या? अधिकारी से हमने सबसे पहले डीएम साहब को ज्ञापन दिया, फिर दोबारा दिया, दो बार हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने संजीव बालियान जी के पास गए, पिछले हफ्ते भी गए थे, इसी हफ्ते भी गए, 2 हफ्ते से हम रेगुलर जा रहे हैं उनके पास। उन्होंने भी इनको कहा कि भाई वहाँ से गाड़ी हटा ली जाए, पर यहाँ इनको कोई सुनने के झूठ रहे, इनको तैयार नहीं इनके सिर पे, ये गाड़ी हटा नहीं रहे वहाँ। आप से बैठे हैं? हम कल से बैठे हैं, कल सुबह से। अच्छा, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो फिर क्या? हम ऐसे धरना जारी रखेंगे अपना। अच्छा, आप लोगों पर भी आरोप है कि आप जो एनक्रोचमेंट कर रखा है आपने अपनी दुकानों के बाहर, बाहर तक गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, आने आने में वहाँ भी आरोप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आके देखें, वहाँ कोई ऐसी गाड़ी आपको खड़ी भी नहीं मिलने की, अभी भी नहीं मिलने की, ना कभी करते हैं। सफेद पट्टी से पीछे रहती है, सब पट्टी सफेद पट्टी से नीचे ही है जो जितनी भी गाड़ी मिलेंगी। और वहाँ सबसे ज्यादा अपना आप ही हटाते रहते हैं जो भी जाम वगैरह है, हम तो खुद। सर, 2 दिन से लगातार व्यापारी आपके यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? 2 दिन से नहीं बैठे, आज ही आए, अभी आए, यहाँ नहीं बैठे थे, हमारे बस अड्डे पे आज ही आए, और अभी 1 घंटा हो रहा है मुश्किल से। और समस्या टी पॉइंट के पास गाड़ियाँ जो खड़ी हो जाती हैं, उस वो समस्या है जो इनके दुकानों के की सामने खड़ी होती हैं, यही समस्या है। इसी समस्या के संबंध में आज बातचीत चल रही है और कोई समाधान इसका निकाला जाएगा। सर, लगातार ये लोग पहले भी अधिकारी से मिल चुके हैं, आज धरने पर भी बैठे हैं, तो जो ये बसें हैं रोडवेज की, देखा जाए टी पॉइंट पर भी और जहाँ तक रोड भी उस तरीके से लगी रहती है, बाहर भी अभी लंबी लाइन लगी है टी पॉइंट तक, तो किस तरीके से आपके विभाग द्वारा की जा रही है? इसमें हमने अपने आदमी लगा रखे हैं कि वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी ना हो, और कल से उसमें कमी आई है, और आज भी जो है इसमें पहले के अपेक्षा जो है थोड़े ही रह गए हैं, और व्यवस्था 1-2 दिन में सामान हो जाएगी, सारी गाड़ियां वहां से हटा दी जाएगी। अभी धरना चल रहा है सर कि खत्म हो गया है? अभी जो लोग बैठे हैं धरने पर चल रहा है कि खत्म हो गया? नहीं, अभी बातचीत हो रही है, बातचीत चल रही है।